शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देवी, देवी आई है, साथ में सूरज भी है। लेकिन बच्चों, ये तुम लोगों को क्या हो गया है? गिरजा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गर्म पानी लाओ। देखते नहीं देवी और सूरज जख्मी है। बाबा, आपसे फिर गलती हो रही है। ये देवी नहीं, ये रेशमा है और मैं कुमार। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो ये वही छोटी सी मुन्नी गुड़िया है और तू सूरज। मैं तुम दोनों का अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दो बच्चों, मुझे क्षमा कर दो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो लोग आ गए। फिर जा, देखो कौन आया है। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोली, वो लोग हमें मार डालेंगे। कौन तुम्हें मार डालेगा बेटी? मेरे कबीले वाले। घबराओ नहीं, इस हवेली में हमारे जीते जी तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अरे मैं तुम दोनों के लिए ही तो जी रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा प्रायश्चित है। गिरजा, बंदूक ले आओ। एक दिन तुम्हें मारने के लिए हमने बंदूक उठाई थी, आज तुम्हें बचाने के लिए बंदूक उठाएंगे। लाई बाबा, बंदूक मुझे। नहीं बेटा, मुझे मेरा कर्म करने दो, तुम लोग इधर हो जाओ। नहीं। प्रणाम ठाकुर बाबा। तुम्हारा और तुम्हारे आदमियों का स्वागत है सरदार, मगर हवेली में आने का ये कौन सा तरीका है? जिस लड़की को आपने अपनी बंदूक के पीछे छुपा रखा है वो मेरी बेटी है, और कुंवर ने मेरी बेटी का हरण किया है। इसने हम बंजारों की आबरू पर हाथ डाला है। ये हमारे गुनहगार हैं और इस हवेली ने हमारे गुनहगारों को पनाह दी है। इस हवेली पर इस लड़की का हक है सरदार, ये अपने घर आई है, और अगर ये बात तुम्हारी समझ में ना आए तो ये समझ लो कि इस वक्त ये दोनों हमारी पनाह में हैं, और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी लाश का दरिया पार करना होगा। दो लाशों और तीन लाशों में कोई फर्क नहीं होता, हम तो इसे मार डालेंगे। दूसरी या तीसरी लाश किसकी होगी ये तो पता नहीं लड़के, लेकिन पहली लाश तेरी भी हो सकती है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ कुंवर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कुंवर का नाम भी अपनी जुबान से निकाला तो यहाँ लाशों का ढेर लग जाएगा। राणा जी, ये आपकी हवेली नहीं है, और हमारे पैरों पे पड़ी वफा की बेड़ियां आपने खुद उस दिन काट दी थी। होश की बात करो बंजारे, तुम अपनी बेटियों को जादू टोना इसलिए सिखाते हो कि वो बड़े घर के लड़कों को अपने वश में कर सके। अरे तुम चुप करो, हम इस लड़की को गोली मार देंगे। ठहरो राणा, गोलियां रिश्तों की कदर नहीं जानती, एक बार गोली चल जाए तो फिर पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो बरसों पहले हमने की थी, और जिसकी वजह से आज 50 साल से हम सूरज और देवी के लिए पछता रहे हैं। सूरज, देवी? पर बाबा, ये देवी नहीं, मेरी बेटी रेशमा है। सब यही कहते हैं, ये भी यही समझती है, मगर हम जानते हैं, गिरजा जानता है, इस गांव के बूढ़े बुजुर्ग जानते हैं कि आज से 50 साल पहले ये हमारी बेटी थी। इस तस्वीर को देखो सरदार, शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। ये तो वैसी तस्वीर है जैसी हमारी बेटे ने इस लड़की को बिना देखे बनाई थी। शायद पिछले जन्म की देवी की शक्लो सूरत कुंवर को इस जन्म में भी याद थी। पिछले जन्म? हाँ राणा, आज से 50 साल पहले इनका पिछला जन्म था। तब ये इलाका बंजर नहीं था, यहां भी हरियाली थी। मेरी बेटी और सूरज क्या गए? अपने साथ हरियाली भी ले गए। सरदार, तुम्हारी जो ये बेटी रेशमा है,
ये उस वक्त मेरी इकलौती बेटी देवी थी और राणा ये कुंवर सूरज था। सूरज लखिया बंजारे का बेटा था। लखिया हमारे लिए जड़ी बूटियां लाया करता था, उसके साथ उसका छोटा सा बेटा सूरज भी आया करता था। फिर एक रात सूरज अकेला आया, उसकी आंखों में डर था, उसके कपड़े फटे हुए थे। पता चला कि आपस की दुश्मनी में लखिया मारा गया और उसके दुश्मन उसके बेटे सूरज को तलाश कर रहे। सूरज की जान बचाने के लिए हमने उसे हवेली में ही रख लिया। हमारी बेटी देवी और लखिया का बेटा सूरज एक साथ खेल कर जवान हुए, मगर हमारी मगरूर आंखें ये न देख पाई कि उसके साथ साथ उनका प्यार भी जवान हो रहा था। ठाकुर, आप उठ क्यों गए? ठाकुर, मैं इसलिए उठ गया ठाकुर नटवर सिंह कि आप हमारे मेहमान हैं। अगर मैं न उठता तो यहां से तुम दोनों की लाशें उठ गई होंगी। ठाकुर, आप अपने इस बेटे के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, जो इस वक्त भी नशे में धुत है, जिसके बिस्तर के हर सिलवट से कोई ना कोई वैश्या निकलती होगी। ये तो रईसों के शौक है ठाकुर साहब। क्या रईसों का ये भी शौक है कि इनकी पहली पत्नी ने शादी के चार दिन के बाद आत्महत्या कर ली थी और दूसरी ने 6 महीने के बाद। ठाकुर, मुझे अपनी बेटी के लिए पति जरूर चाहिए, लेकिन तुम्हारा बेटा तो चिता की लकड़ी है। इससे पहले कि मैं तुम दोनों की चिता यहां बना दूं, निकल जाओ मेरी हवेली से। जाओ, चलो। गिरजा, देवी घर में नहीं है, कहां गई है? हम पूछ रहे हैं देवी कहां गई है। हुकुम, सूरज बड़ा नमक हराम निकला, वो बिटिया को बहकाकर नदी किनारे। लखिया बंजारे के बेटे की ये हिम्मत, वो इस हवेली की बेदाग दीवारों पर अपना नाम लिखना चाहता है। गिरजा, उसे पकड़कर फौरन हमारे सामने लाओ। मगर देवी बिटिया के बारे में भी सोच लीजिए हुकुम। उसके बारे में क्या सोचना है? वो अगर कीचड़ में नहाना चाहेगी तो क्या हम उसे कीचड़ में नहाने देंगे? हम ठाकुरों की बेटियों का ब्याह वहीं होता है जहां उनके माँ बाप चाहें। हम अगले महीने ही देवी की शादी ठाकुर वीर सिंह के बेटे से करते हैं। तो फिर सूरज का जिंदा रहना ठीक नहीं है हुकुम। आपकी आज्ञा हो तो उसे ठिकाने लगा दिया जाए। देवी, सूरज को मारने की बात किसने सोची कैसे? और ये आप किसकी शादी की बात कर रहे हैं? हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। गिरिजा ने अगर सूरज को मार डाला तो आप मेरी शादी किसे करेंगे? तू हमारे शुकड़ों पर पलने वाले उस बंजारे से शादी करेगी? जी बाबा, आप मारते मारते थक जाएंगे बाबा, मगर मेरा जवाब नहीं बदलेगा। तेरा जवाब नहीं बदलेगा तो इस हवेली की मान मर्यादा की रक्षा के लिए हम तुझे इस हवेली में जिंदा गाड़ देंगे। ये भी करके देख लीजिए बाबा, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं सूरज को पाने के लिए दूसरा जन्म लूंगी, और मैं भगवान से कहूंगी कि अगले जन्म में ऐसे बाप की बेटी ना बनाए जिसे मुर्दा हवेली अपनी जीती जागती बेटी से ज्यादा प्यारी है।